Hey everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, इतने time से जो confusion चल रही थी कि first और second year students Delhi University के first और second year students के साथ किस तरह से paper लिया जाएगा, paper कैसे होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे. जैसे हम सब जानते हैं कि final year के students को open examination test लिया जा रहा है, but फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो सस्पेंस बना हुआ था वो आ चुका है. तो आज ही जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे ये नोटिस आया है कि एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे. तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि इवन सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस के बेस पर ही यहाँ पे उनको पास किया जाएगा, यानी कि प्रमोट किया जाएगा. तो एग्जाम्स तो नहीं होंगे. अब यहाँ पे ये जो नोटिस है ये डीयू के रेगुलर स्टूडेंट्स, एनसीवेव और एसओएल सबके लिए ये है. और यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके डिपार्टमेंट हैं, वो आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट लेंगे. और इसमें आपसे कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी करवाएं वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है. और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट 50 मार्क्स जो हैं आपकी असेसमेंट या पिछली जो परफॉर्मेंस है उसके बेस्ड पे दिए जाएंगे. नेक्स्ट थिंग, अगर किसी स्टूडेंट की बैक आई है पिछले सेमेस्टर में लेकिन इवन सेमेस्टर में, तो उस स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा. वैसे तो ये नोटिस बहुत लंबा है, इसमें और चीज़ें भी ऐड हैं COVID-19 से रिलेटेड, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि आपको जो एग्ज़ाम है अब वो नहीं होने वाला. फाइनल ईयर के जो पेपर होंगे उसमें ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे जो 1 जुलाई से होंगे. और ये जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं इसमें बैक वाले एक्स स्टूडेंट्स के पेपर भी कंडक्ट करवाए जाएंगे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ इस साल के लिए ही है, इस ईयर में ही स्टूडेंट्स को जो है प्रमोट किया जाएगा. और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रीवियस पेपर कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के, जैसे कि एसओएल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ईयरली पेपर होता है और उनके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते, तो ऐसे स्टूडेंट्स के जो है 100 मार्क्स का यहाँ पे पूरा इंटरनल असेसमेंट ही इनका दिया जाएगा, करवाया जाएगा. तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है टाइम टू टाइम इश्यू और की जाएंगी. और यहाँ पे एक और मेन चीज है कि जो टेंटेटिव यहाँ पे एक डेट है कि DU 2020 के एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 जून से ओपन कर सकता है. और यहाँ पे जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मेजर बात यही है. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं सबको इंटरनल असेसमेंट में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है और उस एक्टिविटी को उसको करना ज़रूरी है. अदरवाइज जो जहाँ पे कुछ एरियाज में इस तरह नहीं होता है तो उनके लिए अलग प्रोविजंस जो हैं वो अरेंज किए जाएंगे, अलग चीज़ें अरेंज की जाएंगी. बाकी जो है ये इसमें यही नोटिस में दिया गया है. तो अब आपको जो है एग्ज़ाम को प्रेशर की तरह लेके पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट पढ़ना भी है, बट अब आपको एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी. सो डिपार्टमेंट आपको काम देंगे, आपको वो काम करना होगा. और ये न्यूज़ अगेन खाली इसी सेमेस्टर के लिए है, अगले साल या दिसंबर के पेपर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तब तक नॉर्मल हो जाएगा. पेन पेपर एग्ज़ाम भी अब आपको नहीं देने हैं, अब आपको ऐसे ही देना है. और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो ऑनलाइन पेपर के लिए अप्रूव होंगे. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके काफ़ी डाउट्स इसमें क्लियर होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है आपको प्रमोट करेगी या नहीं करेगी. इतने टाइम से सारा जो कन्फ्यूजन बना हुआ था वो खत्म हो चुका है. और टाइम टू टाइम डीयू के साइट पे विजिट करते रहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं. और इस COVID-19 के टाइम पे ज़्यादा अपडेट्स आएंगी क्योंकि यहाँ पे कोविड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा रहे हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड.
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग अवर वीडियोज. थैंक.